अरे मोदी जी, ये क्या है? ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? जी कहाँ पर ऑटो रिक्शा में सब्जी की दुकान खोली है मैंने, ये तमाशा कहाँ हो गया? अरे भाई मोदी जी, आपका ऑटो रिक्शा सवारी पर पास है, ना कि सब्जी की दुकान पर पास है। इसमें आप सिर्फ सवारी इधर से उधर ढो सकती हो, ना कि सब्जी लाद के बेच सकती हो। मैं तुम्हारा चालान काटूंगा। या ऐसा करो, वो फूल गोभी रखा है जो बड़ा वाला, वो एक गोभी दे दो मुझे। अखिलेश जी, गोभी देने से क्या होगा? आप मेरा चालान नहीं काटोगे? आप भले ही मेरा चालान काट दो, फूल गोभी तो मैं कभी नहीं दूंगा आपको। हाँ, आप मुझसे पैसे देके खरीद सकते हैं फूल गोभी। अरे भाई, पैसे देकर ही मांग रहा हूँ, पैसे दूंगा मैं आपको? एक फूल गोभी लाओ, चालान तो मैं काटूंगा ही काटूंगा। अलग तुम्हें क्या लगा, रिश्वत उस्वत में मैं फूल गोभी मांग रहा हूँ? अरे अखिलेश जी, क्यों परेशान करते हो मोदी जी को? आराम से सब्जी बेचने को ना दो। अभी जल्दी में उन्होंने अपना ऑटो रिक्शा खरीदा है और उसमें सब्जी का फ्रेम तैयार करवाया है पीछे सब्जी रखने के लिए, और आप बेफालतू में चालान पे पैसे खर्च करवाओगे उनके। बेचारे बहुत कम रेट में सब्जी बेच रहे हैं। ये देखो, अभी मैंने भिंडी ली है आधा किलो, मंडी से भी कम रेट में इन्होंने मुझे दी है। अरे भाई, इंसानियत अलग चीज है, नियम अलग चीज है। अरे अभी इनका ऑटो रिक्शा सवारी ढोने के लिए पास है, इन्हें सब्जी ढोने का पास बनवाना पड़ेगा। तो बनवा लेंगे, पास बनवा लेंगे मोदी जी, आप थोड़ा टाइम तो दीजिए उन्हें। अरे तुम बीच में बहुत बोल रहे हो भाई, तुम्हें इतना ज्यादा बुरा लग रहा है, तुम दे दो चालान का पैसा, दो, तुम निकालो चालान का पैसा। अरे भाई मोदी जी, मूली क्या रेट बेच रहे हो? मूली का रेट बताना जरा। देखो राहुल, अभी तो मैंने ये नया नया सब्जी बेचना चालू किया है, नया ऑटो रिक्शा लिया है, समझे? अभी तो मैं सब्जी सस्ती बेच रहा हूँ क्योंकि मैं ग्राहक को जोड़ रहा हूँ। मूली तुम्हें 5 रुपए किलो लगेगी। अरे मोदी जी, इतनी सस्ती? मंडी में तो 20 रुपए किलो बिक रही है, आप इतनी सस्ती बेच रहे हैं? और जबकि आपका ऑटो रिक्शा में डीजल पेट्रोल भी खर्च होता होगा क्योंकि आप गली गली जाकर सब्जी बेच रहे हैं। असल में मैं राहुल सब्जी मंडी से सब्जी खरीद के नहीं लाता हूँ, मैं डायरेक्ट किसानों से लाता हूँ, इसीलिए सस्ती मिल जाती है मुझे सब्जी, और फ्रेश ताजी सब्जी होती है, इसीलिए सस्ती बेच रहा हूँ। अरे भाई मोदी जी, अब आप जाओ, अब मैं आपका चालान बिल्कुल नहीं काटूंगा। अरे आप तो इतनी सस्ती सब्जी बेच रहे हो जो सब्जी मंडी से भी ज्यादा सस्ती, आप लोगों का इतना फायदा कर रहे हो, मैं आपका चालान बिल्कुल नहीं काटूंगा। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, रोक लो अपनी मोटरसाइकिल को, रोक लो, कुछ तो बात बता दिया करो, अकेले ही अकेले नोट छाप रहे हो। अरे राहुल, अगर छाप रहा हूँ तो क्या हुआ, मेहनत नहीं कर रहा हूँ मैं दिन रात? अरे पहले तुम सब्जी का काम किया करते थे, लेकिन सब्जी का काम छोड़ के जैसी मुर्गी पालन का काम चालू किया, आज देखो तुम्हारे पास एक मोटरसाइकिल भी है और बहुत तगड़ा मुर्गी का स्टॉक भी है। भाई राहुल, मैंने तुम्हें अभी बताया नहीं, मेहनत और लगन का काम होता है, तुम भी मेहनत और लगन से काम करो, इसी तरीके से कामयाब होगे। ये अखिलेश आ गया, मेरी कहानी अखिलेश से सुनो, अखिलेश से ही शुरू हुई थी मेरी कहानी। अरे कैसे मोदी जी, हमें भी बताओ, अखिलेश तुम बताओ कैसे शुरू हुई थी मोदी जी की कहानी? अरे क्या बताऊं राहुल, पहले ये सब्जी का काम किया करते थे, ये तो तुम्हें पता ही है। मेरे पास मुर्गी थी, एक मुर्गी ने एक अंडा दिया, इन्होंने वो अंडा मुझसे खरीद लिया, बस फिर क्या था, उस अंडे से मुर्गी पैदा हुई, फिर उसने अंडे देना चालू कर दिए, इसी तरीके से फिर अंडों से मुर्गी निकली, इसी तरीके से होते होते इन पे हजारों मुर्गी हो गई, और आज तो इन पे लाखों रुपया है, देख सकते हो मोटरसाइकिल भी खरीद ली इन्होंने। सुनी मेरी कहानी राहुल? यही है मेरी पूरी कहानी, समझ गए तुम? अखिलेश की मुर्गी का अगर मैं एक अंडा नहीं खरीदता तो शायद इतनी बड़ा मुर्गी का स्टॉक आज मुझ पे नहीं होता। आज तो मेरे बिजनेस का ये हाल है, दिन भर में कम से कम हजारों अंडे देती है मुर्गी, और कम से कम 100-200 अंडों से बच्चे पैदा होते। अरे योगी सर जी आ गए, आप लोगों ने भी बेफालतू में मुझे रोक लिया, अब ये और परेशान करेंगे मुझे। भाई मोदी जी, बहुत तगड़ा बिजनेस बना लिया मुर्गी पालन का, अरे कुछ छींटे हमारे ऊपर भी मार दो अपनी कमाई की, बहुत कमाई कर रहे हो, मेरे हिसाब से हर दिन 10,000 रुपए की कमाई करते होगे। अरे कैसी बात करते हो योगी जी, आप हम पे कृपा कहाँ करते हो? अभी कुछ दिन पहले तो आपने मेरी मोटरसाइकिल का चालान काटा था, और ऊपर से कह रहे हो कि हम कमाई का थोड़ा सा छींटा मार दिया करें आपको। वैसे मोदी जी, मुझे आपका चालान काटना पड़ेगा, ओवरलोड पे आपकी कई सवारी हैं बैठी हुई मोटरसाइकिल पे। कैसी बात करती हूँ, मैं अकेला ही तो अपनी मोटरसाइकिल पे। और मोदी जी, जो आपकी मोटरसाइकिल पे कम से कम 100 मुर्गी है, उनका क्या? अरे उनका भी तो चालान कटेगा। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।